Hello students, today we are going to start our second chapter, Windows, Files and Folders. First of all, we understand file. A collection of information that is stored under one name is called a file. This information could be text, images, music or videos. दोस्तों किसी एक नाम के अंदर कोई डिटेल हम टाइप करके सेव करते हैं उसको हम फाइल बोलते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है, म्यूजिक भी हो सकता है और अन्य वीडियोस भी हो सकते हैं। ऑन अ कंप्यूटर फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइकॉन्स। So, it is easy to recognize what type of file it is by looking at its icon. सभी प्रकार के फाइल फॉर्मेट के आइकॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि ये फाइल कौन से प्रकार की है। टेक्स्ट फाइल है, पिक्चर फाइल है, इमेज फाइल है कि ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल है। Here are some of the common file icons. यहाँ पर कुछ icons आपको दिखाए गए हैं जो आपको बताएंगे कि ये कौन से प्रकार की फाइल है। First symbol is for text file. Second icon represent a WordPad file. Next icon represent a Word file. Next example is of a picture image file. Next is an audio file. And last example is a video file. Now we discuss about folder. A group of files of similar type is called a folder. Here are two types of folders that you see on your computer. फाइल्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम फोल्डर कहते हैं। जैसे कि हम हमारे घर में भी हमारे सर्टिफिकेट्स को संभाल कर रखने के लिए जैसे हम फोल्डर बनाते हैं, ऐसा ही फोल्डर एक कंप्यूटर में भी बनता है। यहाँ पर आपको येलो कलर के दो फोल्डर दिख रहे होंगे। फर्स्ट फोल्डर रिप्रेजेंट एन एम्प्टी फोल्डर। इट इज यूजुअली named new folder until you give it a name. जो पहला येलो कलर का फोल्डर है वो एम्प्टी फोल्डर है। एम्प्टी यानी खाली फोल्डर, जिसमें कुछ भी फाइल्स नहीं रखी गई हैं। तो जब वो एम्प्टी होता है तो जनरली या यूजुअली वो न्यू फोल्डर के नाम से जाना जाता है। कब तक? जब तक आप उसको किसी नाम से सेव न करें तब तक। जैसे ही आप उसको कोई नाम दे देंगे तो वो उस नाम से वो फोल्डर जाना जाएगा। सेकंड फोल्डर रिप्रेजेंट अ फोल्डर दैट कंटेन्स फाइल और अदर सब फोल्डर्स। दूसरा जो ये फोल्डर है वो किसी फाइल्स से भरा हुआ है, इसलिए वो एम्प्टी फोल्डर नहीं है। उसके अंदर फाइल्स भी हो सकती है और उसके अंदर सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। अ फोल्डर कैन ऑल्सो स्टोर अदर फोल्डर्स। फोल्डर के अंदर भी दूसरे फोल्डर्स हो सकते हैं। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर्स। तो फोल्डर के अंदर जो दूसरे फोल्डर होते हैं उसको सब फोल्डर कहा जाता है। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर्स। बहुत सारे, कितने भी आपको जितने चाहिए उतने सब फोल्डर्स आप एक फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। एंड इवन अ सब फोल्डर कैन हैव एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड अदर सब फोल्डर्स। और सब फोल्डर के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स आप सेव करके रख सकते हैं और उसके अंदर भी सब फोल्डर्स आप बना कर रख सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं उसको सब फोल्डर बोलते हैं और उस सब फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हो सकती है और दूसरे सब फोल्डर भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइब्रेरीज। इन विंडोज लाइब्रेरीज इज अ फीचर दैट हेल्प्स यू टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडोज के अंदर एक फीचर दिया गया है जो लाइब्रेरी का होता है और वो लाइब्रेरीज इसलिए होती है
कि आपके जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उसको आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देर आर फोर लाइब्रेरीज इन विंडोज, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी एंड विंडोज लाइब्रेरी। पहले से ही कंप्यूटर के अंदर चार प्रकार की लाइब्रेरीज हमको मिलती है, जो होती है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी और वीडियोज लाइब्रेरी। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट फाइल, वर्ड पेज डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी के अंदर नोटपैड फाइल भी हो सकती है, वर्ड पेज डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल की फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उसके अंदर हो सकता है। बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर इन डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी। जो भी आप फाइल फोल्डर को मूव करेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसका सेटिंग ही ऐसा होता है कि वो माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर ही सेव होता है। सेकंड पॉइंट इज पिक्चर लाइब्रेरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज पिक्चर्स सच एज फोटोग्राफ और इमेजेस फ्रॉम योर कैमरा, स्कैनर और ईमेल। पिक्चर्स लाइब्रेरी के अंदर कैमरा से लिए गए पिक्चर, स्कैनर से लिए गए पिक्चर या ईमेल से इंपोर्ट किए गए पिक्चर्स को हम सेव करके रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल पिक्चर्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय पिक्चर फोल्डर्स इन पिक्चर लाइब्रेरी। पहले से ही ऐसा सेटिंग दिया गया होता है कि जो भी आप इमेज को आप मूव करेंगे वो डायरेक्टली पिक्चर्स लाइब्रेरी में ही कॉपी होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूजिक लाइब्रेरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज म्यूजिक सच एज अ सॉन्ग दैट यू पिक फ्रॉम द ऑडियो सीडी और दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। सीडी से या इंटरनेट से डाउनलोड किए गए हैं म्यूजिक को आप म्यूजिक लाइब्रेरी में रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल म्यूजिक फाइल्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय म्यूजिक फोल्डर इन म्यूजिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट इज वीडियोज लाइब्रेरी। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज वीडियोज सच एज क्लिप फ्रॉम योर डिजिटल कैमरा और कैमकॉर्डर और वीडियो फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फाइल, आपके कैमरा से ली हुई फाइल, मोबाइल से ली हुई फाइल, वीडियो फाइल्स जो होती है वो डायरेक्ट ही वीडियो लाइब्रेरी के अंदर आप रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल वीडियो फाइल्स दैट यू आर सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय वीडियोस फोल्डर इन वीडियो लाइब्रेरी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लाइब्रेरीज को ओपन कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।